आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित दर्जनों राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले भदोही के नवागत जिलाधिकारी गौरांग राठी का अब तक का सफर खबर जनपद भदोही से है, जहां आज 20 सितंबर 2022 को नवागत जिलाधिकारी गौरांग राठी ने दोपहर लगभग 12 बजे कोषागार पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्ट्रेट में मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिवनारायण सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी धर्मेंद्र पति त्रिपाठी, अपर उप जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार से परिचय प्राप्त किया। तदुपरांत कलेक्ट्रेट परिसर में पैदल ही भ्रमण कर कार्यालयों विभागों से रूबरू होते हुए साफ सफाई एवं अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट परिसर में गंदगी व पान की पीक दिखने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए नाजिर को आवश्यक साफ सफाई व संबंधित निर्देश दिए। गौरांग राठी उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के 2014 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। इन्होंने दिल्ली IIT से BTEC करने के बाद अपने प्रथम प्रयास में ही UPSC की परीक्षा पास की। अपने दूसरे प्रयास में 40वें रैंक के साथ IAS पद पर चयनित हुए। गौरांग राठी इससे पूर्व वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त, CEO काशी विश्वनाथ मंदिर विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद एवं उपाध्यक्ष अलीगढ़ विकास परिषद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत रहे। COVID-19 के बेहतर प्रबंधन के लिए वाराणसी स्मार्ट सिटी के दृष्टिगत स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। 2019-20 में प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2020-21 में राष्ट्रपति पुरस्कार, CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार, स्वच्छता पर 5 राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अपने वाराणसी कार्यकाल के दौरान वाराणसी स्मार्ट सिटी में विशेष योगदान के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनको प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें WhatsApp भी कर सकते हैं।